डेफ़िनेटली देखें अब आ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हाई लाइफ में कम्पलसरी होती हैं वो हमें यूज़ करनी पड़ती है हेयर रिमूविंग क्रीम ख़ासतौर पे फीमेल्स का बड़ा इशू होता है कि फीमेल को यूज़ करनी पड़ती हैं करते हैं तो साइड इफेक्ट्स होते हैं नहीं करें तो क्या करें क्या सॉल्यूशन है इसका हेयर रिमूविंग क्रीम सबसे पहले अगर आप चूज़ करते हैं तो पहले ये सोचें कि वो असर कैसे करती है सुपरफिशली बालों को कैसे रिमूव करती है उसमें केमिकल होते हैं दो केमिकल होते हैं सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोआक्साइड अब ये जो दोनों केमिकल्स हैं ये उन उस स्किन पर जाके जहाँ बाल हैं उस जगह पर अगर आप लगाते हैं तो वहाँ जाके सेटल डाउन होते हैं वहाँ से जो रूट है उसको टारगेट नहीं करते जो स्किन के ऊपर बाल आपका आ रहा है उसकी जो बेस है उस पर टारगेटेड होते हैं वो जाके वहाँ से वो उसको ख़त्म कर देते हैं बर्न कर देते हैं जला देते हैं ख़त्म कर देते हैं वहाँ से तो ये इन केमिकल्स का की वजह से वो बाल वहाँ से खत्म हो जाते हैं और इजिली रिमूव हो जाते हैं आपकी स्किन से पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें ओला डॉक डॉक्टर डौक का अपॉइंटमेंट आसानी से। अब यूज करना ज़रूरी है मतलब आप यूज़ कर रहे हैं साइड इफेक्ट्स क्या होंगे हर एक का ये सवाल होता है कि जी हम हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ करते हैं क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके बिकॉज केमिकल्स हैं तो डेफिनेटली केमिकल्स की वजह से पेशेंट को सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है स्किन पर इरीटेशन हो सकती है आपकी स्किन पे बर्निंग हो सकती है माइल्ड पेन हो सकता है एलर्जिक रिएक्शन सामने आ सकता है अगर हम और ज़्यादा इसको सिवियरिटी में ले जाएं, तो उसकी वजह से आपकी स्किन डार्क होती चली जाती है आपने देखा होगा जो लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं ये हेयर रिमूविंग क्रीम उनकी जग उस जगह से स्किन डार्क होती चली जाती है फिर और सीवियर अगर क्या हो सकता है तो क्या होगा उसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन रहने की वजह से फॉलिकुलाइटस हो जाएगा यानी कि जो बाल की जड़ का इन्फेक्शन होता है वो भी हेयर रिमूविंग क्रीम की वजह से हो सकता है इसके अलावा इनग्रोइंग ऑफ हेयर होता है अब ये क्या बला है आपने देखा होगा कभी कभी मुस्तकिल एक ही जगह पर जिस जगह से बाल निकलता है उस जगह पर मल्टीपल टाइम आपको इन्फेक्शन होता रहता है होता रहता है होता रहता है आप मेडिकेशन यूज़ करते हैं फॉर द टाइमिंग चला जाता है देन अगेन हो जाता है इन ग्रोइंग ऑफ हेयर का मतलब ये है कि हेयर अपवर्ड ग्रोथ करने के बजाय डाउनवर्ड ग्रो करना शुरू कर दे और डेफिनेटली जब वो डाउनवर्ड ग्रो करता है तो वो एक फॉरेन पार्टिकल की हैसियत से ग्रो करता है और वहाँ पे वो बॉडी का रिएक्शन सामने आता है बॉडी इन्फेक्शन करवाना शुरू कर देती है तो ये सारी चीज़ें होती हैं हेयर रिमूविंग क्रीम की वजह से हेयर रिमूविंग क्रीम्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं मतलब मैं अपने पेशेंट्स को कहती हूँ कि अवॉइड करें बहुत सीवियरिटी वाले हमारे पास साइड इफ़ेक्ट्स के साथ भी पेशेंट आते हैं बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम हुई हुई होती है उनकी स्किन बर्न हो जाती है उनकी स्किन ब्लैक हो जाती है उनकी स्किन पर फॉलिक्यूलाइटस वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं बड़े बड़े दाने निकल आते हैं दानों की वजह से जख्म आपको पता है सेंसिटिव एरियाज में अगर ये सारे प्रॉब्लम हों तो हमारी डेली रूटीन कितनी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है सो बींग अ डर्माटोलोजिस्ट मैं यही आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आप आ, अच्छी ट्रीटमेंट की तरफ आना चाहते हैं तो लेज़र हेयर रिमूवल बेस्ट ऑप्शन है इंस्टेड ऑफ़ कि आप कोई हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ करें वैक्स यूज़ करें या कोई और तरीका उसके लिए इस्तेमाल करें लेज़र हेयर रिमूवल बिकज़ सेफ़ है इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूँगी उसके कुछ सेशन होते हैं उससे ये नहीं कहूँगी कि पर्मानंटली आपके हेयर्स चले जाएंगे लेकिन ये होगा कि वो बाल जो आपका बहुत मोटा है वो आहिस्ता आहिस्ता रूट से वीक होना शुरू हो जाएगा मोटा बाल बारीक होगा बारीक होकर रुआ बन जाएगा और फिर वो ऐसे होता है कि वो इन्विजल होना शुरू हो जाता है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी फिर वो रूट्स ग्रो नहीं भी करती हैं सो लेज़र हेयर रिमूवल बेस्ट है so, आप पूरी बॉडी की लेज़र हेयर रिमूवल भी करवा सकते हैं बिल्कुल सेफेस्ट प्रोसीजर है इसमें कोई हार्म नहीं है किसी के लिए भी कोई हार्म नहीं है मेल फीमेल सब लोग करवा सकते हैं हेयर है रिमूवल लेज़र और इवन दो इतनी सेफ़ होती है कि प्रेगनेंसी के भी कुछ महीनों में इनिशियल के हम आ, अपनी पेशेंट को कहते हैं कि वो आके अपने लेज़र हेयर रिमूवल के सेशन ले सकती हैं हार्म नहीं होता स्किन को कोई नुकसान नहीं होता उसकी जो आ, रेडियो फ्रिक्वेंसी लाइट्स होती हैं वो आपकी स्किन को टोन अप करती हैं एक स्किन में ग्लो आ जाता है और स्किन में टाइटनिंग भी होती है सो so, uh, मतलब मैं टॉपिक से शायद हट गई हूँ टॉपिक मेरा था लेज़र uh, जो हेयर रिमूवल क्रीम्स हैं उनके साइड इफेक्ट्स सो लेज़र बेहतर है एज़ कम्पेयरड के आप यूज़ uh, uh, करें हेयर रिमूविंग क्रीम्स हेयर रिमूविंग क्रीम्स के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स के साथ साथ आपकी स्किन खराब होने का भी चांसेस होते हैं सो बी केयरफुल आप अपनी स्किन को डेफिनेटली आप हर जगह की स्किन चाहते हैं कि वो खूबसूरत रहे खूबसूरत uh, के साथ साथ हेल्दी भी रहे तो हेल्दी रखने के लिए हेल्दी प्रोसीजर्स का इंतख्य कीजिए और जितना हो सकता है ये uh, जो हेयर ंग क्रीम्स हैं इनसे अवॉइड कीजिए थैंक यू वेरी मच